18तम राज्य सोत्कान कारेट प्रतियोगिता रेलवे कल्याणी मंडप ठारे उद्घाटित हो जाइछि। मुख्य अतिथि भाबरे राज्यसभा सांसद सुभाषिष खुंटिया जोगदै कहिले जे इच्छा शक्ति और अभ्यास बलरे सफलता आसी परिबो। आत्मरक्षा पई कैरेटे आवश्यकता रहिछि। विश्व पारंपरिक सोत्कान कैरेट फेडरेशन रो ओडिशा राज्य कैरेट प्रतियोगिता प्रशिक्षण अगस्त 24 रु 26 तारीख पर्यंत 3 दिन चालू रहिबो। एथिरे डब्ल्यूटी एसकेएफ रो मुख्य प्रशिक्षक सिहान सत्रजीत चौधरी जोगदेई प्रशिक्षण देथिले। राज्य विभिन्न जिल्लारु 250 प्रतियोगी जोग देथिले। स्पोर्ट्स कैरेट विषय रे शिक्षादान करायथला रवि नारायण खुंटिया, एसआर सामल, सनक देव, प्रसन्न पटनायक, राजनारायण खुंटिया और सहयोगी कैरेट माने एहा को परिचालना करथिले। नारायण खुंटिया पूरी डिस्ट्रिक्ट कैरेट एसोसिएशन सेक्रेटरी अच्छी। ऑल इंडिया आम स्टाइल आम जो स्टाइल अच्छी से एसोसिएशन मुझे ऑलरेडी ऑल इंडिया सेक्रेटरी अच्छी। पूरा डिस्ट्रिक्ट प्राय 250 पिला पार्टिसिपेट करते अलरेडी सब डिस्ट्रिक्ट पिला रोज मुख्य उद्देश्य हूँ पिला को भल ट्रेनिंग दवा स्टेट लेवल भल करेंगे नैशनल आम पिला अलरेडी नैशनल इंटरनेशनल लेवल भल कर पूरी बहुत पिला जाए करूँ आहरी कोच दरकार ट्रेनिंग दरकार ये सब जिन दरकार से आम नैशनल सार को डाकि अलरेडी से ट्रेनिंग सार ट्रेनिंग कर छोटे छोटे टूर्नामेंट भी आम टीस्टेट टूर्नामेंट करूँ पाँच मनरे उत्साह अनुभव हम आगे पिला भल करेंगे तो से आशा अभी बर्तमान टूर्नामेंट कर ना कराटे आम जो स्टार्ट करूँ प्राय 1990 मसीह कराटे अलरेडी स्टार्ट करूँ एवं भी ना से छोट कर पूरी क्लब स्टार्ट करूँ अलरेडी आज से आम 7टा पिला 10टा पिला नहीं करूँ आज भाला देखे गल पूरा स्टेट देखे 500-700 पिला अलरेडी अच्छा अलरेडी कितु पूरी में बहुत कम पिला पूरी प्राय 200-250 पिला अच्छा से ट्रेनिंग कर समुद्र बड़ असुविधा होमपाई जगह ना घर ना ट्रेनिंग करा मैट ना यहाँ निहाती गोटे आवश्यक पड़ी गोटे पिला स्टेट नैशनाल जीवाई से आमको जी गवर्नमेंट तरफ कि सपोर्ट मिले कि सुविधा मिले तो यार पिला जो मैंने भल कर आगे जाइए स्वास्थ्य कराटी गोटे बड़ जिनस बिना अस्त्र निजर शरीर को आप निजे रक्षा करें ये हूँ गोटे अस्त्र यदि आप रेगुलरली ट्रेनिंग करेंगे प्रत्येक जिनस को ये फिजिकाल फिटनेस टू आरंभ कर निजर सेल्फ डिफेन्स निजी को रक्षा भी करें यहाँ झील मानी विशेषकर झील मानी शिखा निहाती दरकार क्योंकि झील मैंने बहुत शिखुं बहुत प्रोटेक्शन कर गवर्नमेंट तरफ जो मैंने स्टेट नैशनाल पाँच जब भी पाँच कितनी सबुत बड़ कथा कौन गोटे एक्सरसाइज ये गोटे एक्सरसाइज किए रनिंग कला किए बर्तमान सुटिंग कला किए कौन कुस्ती कला कितु ये खेल आप निज शरीर को निजे रक्षा करें यहाँ हूँ सबुत बड़ कथा राजनारायण खुंटिया स्पोर्ट्समैन कराटे शूटिंग स्पोर्ट्स ओडिशा शूटिंग एसोसिएशन आप सम्मानित कराला तो यार उद्देश्य कौन थी कौन उद्देश्य था दीर्घ 26 वर्ष है कराटे कराटे में बहुत किसी पढ़े स्टेट खेती एस टी खेती एशिया पाई सिलेक्टेड वर्ल्ड चैंपियनशिप जाइए तापर शूटिंग चैंपियनशिप एवं करूँ अभी शूटिंग में 4 वर्ष है स्टेट चैंपियन अच्छी प्लस ईस्टर्न जोन में रैंक 3 अच्छी आज डाकि फेलिसिटेशन कराट द्वारा पिछले सफलता पाइप बहुत सफलता आजिकल जो आप न्यूज एन चली जो सेल्फ डिफेन्स को लेकिन आजिका डेट में जो दुष्कर्म हो झील मानी पिला कराटेटा बहुत नेसेसरी मैंने यहाँ पिला आत्मविश्वास को बहुत दृढ़ करे बहुत विश्वास बढ़ाए पिला निजर प्रोटेक्शन निजे करें बहुत जिनस शिखा हुई कराटे निज प्रोटेक्शन पिला निजे करें भी कौन से पिला असुविधा आराम से गोटे पिला दु तीन टा लोक साइड करके आगे आसपार आराम से कौन से असुविधा बहुत आराम से गवर्नमेंट या प्रति अवेयरनेस बढ़ा दरकार आज क्रिकेट फेमस होती बिकज तार एडवर्टाइजमेंट बहुत हकी पिला जी इंटरेस्ट दौना तार अधिका क्रिकेट रे हकी आम नेशनल
ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ପିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହକି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କରାଟେକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତାକୁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପଲସରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କରାଟେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନେ କିଭଳି କରାଟେ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ବାପା ମା' ମାନଙ୍କୁ କି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟଟା ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟ। ଜାପାନ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ଏଇଟା ସବୁ ପିଲା ଶିଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ୁଛି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କରାଟେ ଶିଖା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଏଇଟା ନିଜ ପିଲା ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଶିଖିପାରିବେ। है मैं वर्ल्ड ट्रेडिशनल शोटोकन कराटे फेडरेशन का चीफ इंस्ट्रक्टर और प्रेसिडेंट भी हूँ। वर्ल्ड ट्रेडिशनल शोटोकन कराटे फेडरेशन इंडिया का 22 स्टेट्स में हम लोग का ब्रांचेस चलता है, और बाहर का जो डिफरेंट कंट्रीज है जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, मस्कट, फिर अर्जेंटीना, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी हम लोगों का ब्रांचेस चल रहा है। तो ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है कराटे का। मैं पिछला 50 साल से मैं कराटे कर रहा हूँ, और यहाँ कुछ है जिनका करीब 35-40 साल से एक्सपीरियंस है। हम लोग जो है बच्चों को नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म एक देने का कोशिश कर रहा है। यहाँ आप लोग देखे होंगे काफ़ी सारे चिल्ड्रेन हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको अभी से ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि आगे जाके आज से 2-3 साल बाद वो नेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए और इंटरनेशनल लेवल पे भी जा पाए। यहाँ से पूरी से भी एशियन कराटे फेडरेशन का टूर्नामेंट में कुछ लड़का लोग गए थे, तो ये काम हम लोग करना चाहते हैं। इनको आगे का जो रास्ता है इनके लिए क्लियर करना चाहते हैं ताकि टॉप लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जाके अपना देश का नाम बढ़ाए और वहाँ से मेडल लाए। ट्रेनिंग सेंटर में कितने बच्चे भाग लिया है? यहाँ 250 बच्चे भाग लिया है। हम लोग दो सेशन में, ये हॉल ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए सुबह का एक ट्रेनिंग सेशन रखे थे जहाँ करीब 150 बच्चे पार्टिसिपेट किए। अभी भी करीब 120 ऐसे कुछ बच्चे हैं जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग को हॉल में जगह नहीं है इसलिए दो सेशन में हम लोग को डिवाइड करना पड़ा। और अभी जो है तो करीब समझ सकते हो अराउंड 250 बच्चे जो है वो 18th WTS के स्टेट कराटे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ट्रेनिंग में सक्सेस होकर तो आगे क्या करेंगे? ट्रेनिंग में सक्सेस अगर वो ट्रेनिंग को ठीक से ले पाए और उस दिशा में प्रैक्टिस करे तो नेक्स्ट लेवल, जैसे मैंने बताया, नेशनल लेवल पे जाके वो उम्मीद करता हूँ वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और नेशनल में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इनको इंटरनेशनल लेवल तक जाने का भी मौका मिलेगा। ଆତ୍ମରକ୍ଷାରେ ତାକୁ କିପରି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ କରାଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଟି ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କରାଟି ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହା କିପରି ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେକ ମେଡ଼ାଲ ଅଛି ଯେମିତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମେଡ଼ାଲ କେମିତି ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କିଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।